गाड़ियों पेट्रोल नहीं है भैया। चलो आया दोस्त राम ने कल लास्ट किया था। आज सुबह हमारे को एक रेस्क्यू कॉल आई, पर ये कोई ऑर्डिनरी रेस्क्यू नहीं था कि भाई किसी गाय को चोट लगी हुई है। देखनी है तो आ जाओ, आपको मैं दिखा दूंगा गाय को जी। अगर लेनी है तो ले जाओ, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा पैसा। इन्हीं लोगों ने गाय पाल रखी है, अच्छा वो चौथी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, एक दो महीने में उसका बच्चा हो जाएगा, तो वो चाहते हैं कि उस गाय को वो कहीं दे दे। इसको कौन लेगा ना, इसको लेगा या तो फिर गुजर। गुजर जो है कैसा भी डंगर हो ना उसका दूध नहीं देता। दूसरी तरफ हमारे ही गांव में किसी की गाय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका मुंड नहीं खड़ा होता ऐसे थी, तो थाली में रख के पानी पिलाती थी, अपने हाथ में उसको खिलाती घास खिलाती थी। फिर सवेरे देखते देखते मेरे को बैठे बैठे घास खिलाते खिलाती थी। इसके अलावा एक समस्या भी और थी भैया, पता क्या, अभी ना कल से इसको ना एक आंख से नहीं दिख रहा। तो दूध बताया तो दूध आधा किलो दूध लेती है तो 600 रुपये महीने का। मैं चल अपने घर में गाय होगी, घास भी बहुत होता हमारे पास। आपको आपको देनी है तो उनको लेनी है, बस वैसा है। हम तो कनेक्ट कर रहे दोनों के बीच में ना। कितना दूध देती है ये? इसने तो 3.5 kg एक टाइम कर दिया। 3.5 किलो एक टाइम? एक टाइम। तो अब बछड़ा कितना पीता है? बछड़ा कितना पीता है? बछड़ा भी ये 1.5 किलो दूध पी जाता है बछड़ा भी। ज्यादा क्यों पिलाना उसको, उसको लेना क्या है बछड़े को। 1.5 किलो में से आप बछड़े को कितना दोगे? जो पिएगा वो दे देंगे, दो थाना अंगूर लेंगे, बाकी बछड़े को दे देंगे। वो है अंदर बांधा हुआ है, 3 है मेरे पास बछड़े। तो इसका क्या गौशाला में देने पड़ेंगे? कौन सी गौशाला? खजिया में तो ऊपर है वो अपने धर्मशाला के नीचे है। सराह वाली। तो 6 महीने बाद जाना, फिर दिखेगा नहीं आपको बछड़ा? नहीं दिखेगा। देखेगा तब कहाँ देखना है, उसने वहाँ पर बचना ही नहीं है। आपको पता नहीं दिया वही देखे होंगे, ये बात नहीं अच्छी लगी। आपने इतने कितने अच्छे से रखा हुआ है आपने उसको। बछड़ों का चक्कर पड़ता है, इसका बच्चा मरना नहीं चाहिए। बच्चा मर जाएगा फिर दूध नहीं देगी, बच्चा साथ में रहेगा गले के नीचे दूध देगी। गाय बड़ी है, बैल जितनी बड़ी है। हाथ लगाने देती है? नहीं लगाने देती। अच्छी ढंग से दूने दे तो फायदा लेने का, नहीं बे लात मारेगी तो हम दूध कैसे दूंगी। मारती है लेकिन हाँ मार गया, हम हमसे डरती है। दूध नहीं दे रही है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो बछड़ा ही पिएगा। तो बछड़ा ही पिएगा, ये मेरे भी बछड़े हैं, ये भी दूध के लिए तरस रहे हैं, तो इनको क्या पिलाएंगे फिर। तो देखिए डेयरी की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। खैर ये जो गाय है ये तो उन लेडी के लिए ठीक है नहीं, वो इसको नहीं संभाल पाएंगे। अब फिर भी हमारे पास जो गाय इलाज के लिए आती है उनमें से जो ठीक हो जाती है, छोटी जीबू गाय होगी जो देसी गाय, वो हम उनको दे देंगे। अब आप कहेंगे आप डेयरी के खिलाफ है तो क्यों दे देंगे? क्योंकि फिर भी किसी के घर में देना सड़क पे छोड़ने से बेहतर है। अब कोशिश यही होगी कि भाई वो उसके बछड़े पाले, पर मुझे पता है कि वो इसमें सक्षम नहीं है। अब उनकी तो मजबूरी है, उनका बच्चा बीमार रहता है, उनको दूध की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास और 600 चीजें हैं खाने के लिए जिससे उनको न्यूट्रिशन मिल सकता है, उनको इस पाप कर्म में क्यों भागीदार बनना है?